नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में और आपके साथ मैं हूं कमर। अयोध्या फैसले की घड़ी नजदीक आ रहा है। प्रतिदिन हम आपको बता रहे हैं राम मंदिर से जुड़ी वो खबरें जो आप जानना चाहते हैं। कभी बाबरी मस्जिद की खबर हम बताते हैं तो कभी राम मंदिर की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अयोध्या मसले पर जो फैसला आएगा वो क्या होगा और उसका परिणाम भारतीय राजनीति से लेकर आम जनता पर और अलग समुदाय पर क्या पड़ने वाला है। इन तमाम खबरों के बीच अभी से अयोध्या में जश्न की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले योगी सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद से जुड़े कार्यक्रमों को करने की मनाही कर रखी है। इसके बावजूद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जगह जगह यज्ञ और पूजा का कार्यक्रम चल रहा है। राम मंदिर निर्माण के लिए ऐसा ही एक आयोजन अयोध्या के राम जन्मभूमि निर्माण कार्यशाला के यज्ञ के साथ वेद पाठ पिछले 5 दिनों से चल रहा है। पाठ करने के लिए वेदों के कई विद्वानों को दूसरे शहरों से बुलाया गया है। अयोध्या के SSP आशीष तिवारी कहते हैं कि धारा 144 के अनुसार केवल विजय जुलूस पर प्रतिबंध है। बिना अनुमति के फैसले के बाद विजय जुलूस नहीं निकाला जा सकता, लेकिन जो निजी स्थानों और अपने घरों में धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह उनका संवैधानिक अधिकार है और इसमें हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। राम मंदिर के लिए यज्ञ कराने वाले शिवम शर्मा कहते हैं कि यज्ञ और पूजन भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण हेतु और विश्व कल्याण हेतु किया जा रहा है। इस हवन पूजन पाठ को लेकर हमारा उद्देश्य यही है कि भगवान श्री राम का मंदिर जल्द से जल्द अयोध्या में बने और भगवान राम अयोध्या में विराजमान। भगवान राम के मंदिर निर्माण हेतु सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो स्वीकार होगा। उन्होंने कहा कि भगवान राम का मंदिर बने यही हम लोगों का उद्देश्य है। कोर्ट के फैसले के बाद शांति बनी रहे यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। हम लोगों ने यहाँ हवन पूजन पाठ किया और 4 वेदों का पाठ भी किया और यह अनुष्ठान 6 से 7 दिनों तक लगातार चलता रहा। ब्राह्मण चेन्नई से पधारे हुए हैं और वे वेद के प्रख्यात बिलासपुर से आए हुए हैं। अयोध्या प्रशासन ने जिले में हर तरह से सोशल मीडिया पर होने वाले धार्मिक कमेंट पर एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में साफ तौर पर कहा गया है कि अयोध्या मंदिर मस्जिद या फिर सांप्रदायिक कमेंट सोशल मीडिया पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। साथ ही 28 दिसंबर तक अयोध्या में सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम, राजनीतिक, धर्म, सामाजिक और रैलियां, पेंटिंग, जेल से और जुलूस पर रोक लगा दी गई है। पूरे जिले में धारा 144 का भी फैसला हुआ है जिससे तनाव ना हो और स्थिति सामान्य बनी रहे। अयोध्या मसले को लेकर प्रतिदिन जो खबरें आ रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज से कुछ दिन बाद हिंदुस्तान की राजनीति में जो बदलाव आएगा अयोध्या मसले पे उसका जनाधार आने वाले दिनों में क्या होगा। क्या अगर राम मंदिर का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आता है तो क्या मुसलमान उसे स्वीकार करेंगे? अगर मुसलमानों के पक्ष में आता है तो क्या हिंदू अपनी राम की आस्था वाली नगरी अयोध्या को कैसे देखेंगे? इन तमाम तरह के सवाल हैं अयोध्या को लेकर, क्योंकि अयोध्या वो नगरी है जो राम की नगरी नहीं सियासत की नगरी। वर्तमान में सियासत की नगरी अयोध्या का पहचान अगर किसी से है तो वो अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद भूमि विवाद से, जिस पे राजनीति हुई, पाठशाला हुई और अब सुप्रीम कोर्ट के आसरे देश की जनता ताक रही है कि आखिर राम अयोध्या में कब विराजमान होंगे। ये तमाम तरह के सवाल हैं जो लोगों के मन में उठ रहे हैं। हम भी आपको बताएंगे कि आखिर राम मंदिर का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आता है और अगर नहीं आता है तो इसका परिणाम आने वाले कल में क्या होगा। आप क्या सोचते हैं और क्या जानना चाहते हैं अयोध्या से जुड़े अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो दर्शक HCN न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।